हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनी अपने यूट्यूब चैनल रजनी ब्लॉग में आप सभी का वेलकम करती हूँ। तो देखिए, आज हम शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाएंगे, प्याज वाली ऑनियन भरकर बनाएंगे। तो ये शिमला मिर्च है 250 ग्राम, छोटी वाली ली है मैंने बिल्कुल। और ये कुछ सूखे मसाले लिए हैं, हल्दी, नमक, मिर्ची पाउडर, सारे मसाले हैं और ऑनियन है, मिर्ची है, ये सब लिए हैं। तो आप मेरी वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। तो सबसे पहले हम तेल डाल लेते हैं और बिल्कुल थोड़ा सा तेल डालेंगे, बस थोड़ा सा डालेंगे कि हमारी प्याज रोस्ट हो जाए। ज़्यादा हमें तेल नहीं डालना है इसके अंदर। तो अब जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, उसके बाद इसके अंदर हम जीरा डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डाल दिया जीरा। इसमें हम डाल देंगे जीरा और उसके बाद हम हींग डाल देंगे। और जब हींग भुन जाएगी, अब इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर ऑनियन। तो सारी ऑनियन हम इसमें डाल देंगे। अब हम इनको अच्छे से फ्राई होने देंगे, 5 या 10 मिनट के लिए इनको फ्राई होंगे, ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। और जो ऑनियन है इनको हमें हल्के ब्राउन होने तक पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, बिल्कुल ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है, बिल्कुल हल्का हल्का ब्राउन करना है इसको। अब इसके अंदर नमक, अब हम डालेंगे साल्ट। और साल्ट डालने के बाद हम पहले ही साल्ट डालेंगे इसके अंदर, ताकि साल्ट अच्छे से इस प्याज साल्ट अच्छे से प्याज के अंदर चला जाएगा, तो अच्छे से मतलब टेस्ट आएगा। तो प्याज देखो हल्की ब्राउन हो चुकी है, अब इसके अंदर डालेंगे हम हल्दी, डाल देंगे अब इसके अंदर हम, और हल्दी को अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद रेड चिल्ली, तो हमने इसके अंदर मिर्ची मिला दी है। अब धनिया पाउडर डाल देंगे और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इनको थोड़ा सा, जैसे हम पहले इनके मसाला डाल देते हैं, पका लेते हैं, तो इनके अंदर कच्चापन नहीं रहता है। अगर हम बिना फ्राई किए हुए बनाते ना, तो फिर इसमें कच्चा कच्चा रहता और हल्दी वगैरह, मिर्ची वगैरह कुछ भी नहीं पकती। इसलिए मैंने पहले प्याज को फ्राई किया है और इन मसालों को अच्छे से पकाया है। और अब आप देखिए, इनको 5 मिनट के अंदर ही अच्छे से पक जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो देखिए अच्छे से पक चुका है, गैस बंद कर दी हूँ, अब इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तब तक मैं अपनी मिर्ची रेडी कर लेती हूँ। तो ये मैंने 250 ग्राम मिर्ची ले ली है, और देखो इनका जो ऊपर ये नक्कू दिख रहा है ना, इसको हम काट लेंगे और कट करके अंदर के जो सीड्स दिखे हुए हैं इनको बाहर निकाल देंगे। तो देखिए ऐसे करके सारी मिर्चे के हम ऊपर से काट के और इनको अच्छी कर लेंगे, ताकि इनके अंदर हमारा जो स्टफिंग तैयार की है मिर्ची के लिए, वो इनके अंदर अच्छे से भर चुके। और इनको ये जो बीज में जो लाइन से है ना, इनको नहीं हटानी है। तो देखिए सारी तैयार हो चुकी है, अब इनको हम भर लेते हैं। तो ये स्टफिंग है, ये ठंडी हो चुकी है, ये इसके अंदर मैं भर देती हूँ। तो ऐसे हम मतलब स्पून से भर लो, या आप हाथ से भरना चाहते तो हाथ से भर लीजिए, स्पून से बहुत अच्छे से भर दिया जाता है। तो देखिए जी, कितना भी आप दबा दबा के खूब भर दिया, मैंने खूब दबा दबा के भरा है, आप खुद ही देख लीजिए। ऐसे करके मैं सारी वन बाई वन करके सारी मिर्चें भर लूँगी। और देखिए इनको है ना, अगर आपसे ऐसा नहीं भरी जाती, तो एक बार चम्मच से करके ये नीचे की साइड जो हिस्सा है ना, इससे आप इसको दबा सकते हो, और नीचे की साइड इसके अंदर, इस नीचे वाले नोक से आप इसको अंदर की साइड कर सकते हैं। तो इससे हम अच्छे से भर देते हैं। तो देख लीजिए कितने अच्छे से भरी गई है। तो ऐसे करके हम अपनी सारी मिर्चें भर लेंगे। तो देख लीजिए सारी मिर्चें हम भर लिए हैं मसाले, और आप देखिए कितने अच्छे से इनके अंदर मसाला भर दिया है। और एक बार आप ट्राई करना, ये बहुत अच्छी लगती है खाने में बहुत। अब कढ़ाई के अंदर हमने एक पैन ले लिया, उसमें हम 2 स्पून ऑयल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, हमारी फ्राई हो जाएंगी नहीं के अंदर, क्योंकि मिर्ची मेरे पास ज़्यादा नहीं है, मैंने 250 ग्राम ली है, बस ज़्यादा नहीं ली है। और ये छोटे छोटे, एक मिर्च मैंने रख ली थी इनके अंदर से, शिमला मिर्च, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में हम डालते हैं ना तो अच्छी लगती है। बाकी सब में मैंने भर दिया, तो थोड़ी सी मैंने रख ली थी, तो एक रखी थी उसको मैंने कट कर लिया बारीक बारीक पीसों में। अब इन सबको वन बाई वन करके मैं तेल के अंदर फ्राई करूँगी, और देखिए सारी मैं इस तेल में अच्छे से जचा दूँगी इनको।
तो देखिए कितने अच्छे से इनको सबको मैंने तेल के अंदर डाल दिए हैं। और जो ये मैंने काट के रखी थी ना एक मिर्ची, उसको भी मैं साइड में डाल दूँगी, क्योंकि इससे पता है अच्छा लगता है, टेस्ट आता है अलग ही। और इसके अंदर थोड़ा मतलब खिला खिला सा एक आता है कलर सा भी, और खिली खिली बनती है हमारी शिमला मिर्च भी। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए कवर कर देती हूँ, 5 मिनट के बाद हम इसको देखेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको चेक करते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी सी बन गई है। तो नीचे की साइड हम पलटेंगे इन सारियों को, सारी मिर्चों को। तो आप देखिए नीचे की साइड से अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। ऐसे हम इनको पलट पलट के इनको अच्छे से रोस्ट करनी है, बिल्कुल कच्चा नहीं रखना। अगर कच्चे रखेंगे तो ये फिर इनके अंदर अच्छा वो वाला टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए हम इसको फिर से ढक दिया है। तो ऐसे 3-4 बार हम ढक के और हटा हटा के कवर को और इनको हिला हिला के ऐसे पकाएंगे, तो ये अच्छे से धीरे धीरे पकेंगे। और हमें गैस को बिल्कुल फुल नहीं रखनी है, तो मीडियम साइज़ की रखनी है, फुल नहीं रखनी है बिल्कुल भी। फुल रखने से हमारी जो मिर्ची है वो जल जाएंगी, लेकिन वो अच्छे से रोस्ट नहीं हो पाएंगी। तो आप खुद ही देख लीजिए कितनी अच्छे से ये बननी है, देखो। और नीचे की साइड से चारों तरफ से भुन चुकी है, आप इधर की साइड से भी देख लीजिए। तो आपको जब तक ये पकती है तब तक इनको घुमा घुमा कर और ऐसे ही पकानी है। और देखिए कितनी अच्छी सी बनी है, एक बार फिर से ढक देते हैं। तो ऐसे ही करनी है हमें, बार बार में यही प्रोसेस करना है जब तक हमारी मिर्ची अच्छे से रोस्ट ना हो जाए। तो फिर देख लेते हैं एक बार चेक करके। तो ऐसे हमें बार बार में इनको चेक करते रहना चाहिए, नहीं तो एक साइड से ये ज़्यादा रोस्ट हो जाएगी और एक तरफ से बिल्कुल कच्ची रह जाएगी। इसलिए इनको हमें चारों तरफ से ऐसे घुमा घुमा के और फिर इनको हमें रोस्ट करनी है। तो आप देखिए अब हमारी थोड़ी थोड़ी बनने लग गई है हमारी मिर्ची, और बहुत ही अच्छी बनती है ये, खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। लस्सी के साथ खाओगे ना तो मज़े आ जाएंगे खाने में। सूखी सब्जी है तो वैसे खाई जाती है। तो देखो बन चुकी है, अब इनको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ सबको। तो फ्रेंड्स देखिए कितनी अच्छी बनी है ना, आप एक बार ट्राई ज़रूर करना, बहुत अच्छी लगती है। तो आई होप आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना। और मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में एक नई सीरीज से फिर से। बाय बाय, टेक।